हेलो फ्रेंड्स, स्वागत हमारे जीएसएम राखी चैनल पर। तो फ्रेंड, ये है लावा का Z93। तो इसमें FRP लॉक लगा हुआ है, तो इसको हम अनलॉक करेंगे SP टूल से। वैसे इसका मेथड बाईपास का बहुत इजीली है, बट मैं उसे बनाना नहीं चाहता क्योंकि उससे अपनी मार्केट में ही प्रभाव पड़ता है। तो मैं टूल के माध्यम से इसे अनलॉक करके दिखाऊंगा, और यहाँ पर मैंने एक कोड जनरेट किया है जो कि मैं आपको शेयर करूँगा फ्री में। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये फ़ोन स्टार्ट हो गया है, और यहाँ पर स्टार्ट करके देखते हैं तो यहाँ पर नेक्स्ट और स्किप का ऑप्शन नहीं मिल पाता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर वाईफाई के लिए बोल रहा है और यहाँ पर नेक्स्ट स्किप का कोई ऑप्शन नहीं मिल पा रहा है। तो देख सकते हैं ये FRP लॉक में है। तो इसको हम अनलॉक करेंगे SP टूल से, यानी कि विदाउट बॉक्स विदाउट डोंगल के इसे हम अनलॉक करेंगे, ना कि इसे बाईपास। तो इसको करना होगा सबसे पहले स्विच ऑफ, और चलना होगा अपनी PC पर। तो PC पर जाने के बाद आपको दो फाइल आपके पास होना चाहिए, जिसकी लिंक मैं दूंगा डिस्क्रिप्शन में, वहां से आप जाके इसे डाउनलोड कर लेना है, जिसमें आपको SP टूल मिल जाएगा और इसका जो मैंने कोड जनरेट किया है वो कोड आपको मिल जाएगा। तो यहां पर गूगल पर मैंने बहुत सारे ट्राई किया कोड, बट सभी में पासवर्ड लगा हुआ है, और मैंने ये खुद बनाया है इसका कोड, तो ये आपके लिए मैं फ्री दे रहा हूँ। तो इस बात पर एक लाइक और सब्सक्राइब तो बनता है। तो फ्रेंड, ये मैंने फाइल को यहाँ पर स्कैटर फाइल को यहाँ पर डाल दिया है। उसके बाद यहाँ पर जाना है फॉर्मेट के सेक्शन में। तो फॉर्मेट को आप इस सेट को फॉर्मेट करना होगा, जो कि मैंने एक कोड बनाया है वो कोड डाल के, जो कि मैं आपके सामने लाइव दिखाता हूँ। तो इससे एक प्रॉब्लम बन जाएगी सेट में DL फेल का, तो घबराए नहीं, उसका भी मैं सोल्यूशन इस वीडियो में ही देने वाला हूँ। तो वीडियो को पूरा देखें। तो यहाँ पे मैनुअल फॉर्मेट प्लेस पे क्लिक करना है, उसके बाद ये कोड आपको लिंक मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से इसे कॉपी करके पेस्ट कर देना है। तो जैसे मैं करता जा रहा हूँ उसी तरीका से करना है, कोड ऊपर नीचे गलत नहीं होना चाहिए, नहीं तो सेट डेड हो सकता है, इस चीज़ का ध्यान में रखना है। तो यहाँ पर मैंने कोड डाल दिया, अब आपको यहाँ पर स्टार्ट कर देना है। स्टार्ट करने के बाद आपको USB लगा देना है अपने फ़ोन में, बट यहाँ पर वॉल्यूम डाउन प्रेस करना होगा। अगर आप वॉल्यूम बटन नहीं दबाते हैं तो ये कनेक्ट नहीं हो जाएगा और इसमें एक एरर आ जाएगा। तो यहाँ पर ये सेट हो गया कनेक्ट और हो गया फॉर्मेट। यहाँ पर थोड़ा सा टाइम लग जाता है और ये फॉर्मेट हो जाता है। अब सेट को हम ऑन करके देखते हैं। तो यहाँ पर फ़ोन को ऑन करते हैं तो यहाँ पर एक प्रॉब्लम देखने के लिए मिल जाएगी, जो कि है DL फेल। तो यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर फेल DL इमेज फेल यहाँ पर शो करने लगा है। तो अब हम इसको फिक्स करते हैं। तो फिर चलते हैं PC पर। तो यहाँ पर हम फिर से आ चुके हैं अपनी PC पर। तो इसको आप क्लोज कर देना है, उसके बाद डाउनलोड के सेक्शन में जाना है, और डाउनलोड के सेक्शन में जाके आपको क्या करना है, यहाँ पर जो मैंने स्कैटर फाइल दी है वो यहाँ पर डालने के बाद यहाँ पर डाउनलोड कर देना है। यहाँ पर कुछ भी छेड़ाखानी नहीं करना है, डाउनलोड पर क्लिक कर देना है, उसके बाद वॉल्यूम डाउन दबा के सेट को फिर से कनेक्ट कर देना है। सेट कनेक्ट होने के बाद ये फ्लैश हो जाएगा, एक छोटी सी फाइल है और थोड़ा सा टाइम लगेगा, मुश्किल से 10 सेकेंड, और उसके बाद ये सेट डाउनलोड हो जाएगा। और उसके बाद आपको क्या करना है, सेट को डिसकनेक्ट करना है और फिर से इसको ऑन करना है। तो यहाँ पर DL का जो प्रॉब्लम आ गया था वो सॉल्व हो गया है। तो यहाँ पर DL का भी प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, और जो हमारी FRP थी वो भी अनलॉक हो चुकी है। अब यहाँ पर हम ऑन सेट करके देखते हैं कि यहाँ पर अब भी FRP मांग रहा है या फिर सब कुछ कंप्लीट हो चुका है। तो यहाँ पर सेट ऑन हो रहा है, थोड़ा सा वेट करेंगे और इस वीडियो को लाइक करेंगे। तो यहाँ पर वाईफाई का ऑप्शन मांग रहा है, तो यहाँ पे स्किप का ऑप्शन मिल चुका है, और यहाँ पर फिर से स्किप का ऑप्शन मिल चुका है। यहाँ पर पहले स्किप नेक्स्ट कोई भी ऑप्शन नहीं मिल रहा था, तो यहाँ पर स्किप का ऑप्शन हमारे लिए मिल चुका है। तो यहाँ पर अब मोर नेक्स्ट करके इसे कंप्लीट कर देना है। तो यहाँ पर थोड़ा सा टाइम लगेगा इसकी सेटिंग करने में, उसके बाद मैं इसको पूरा कंप्लीट दिखाऊंगा आपके सामने। और ये लेटेस्ट अपडेट है इसका, एंड्रॉयड वर्जन 9 है। तो वर्जन से कोई भी डिफरेंस नहीं है, कोई भी मतलब नहीं है, आपका मॉडल होना चाहिए। ये MediaTek CPU पर आता है, तो इसे SP टूल से आसानी से अनलॉक कर सकते हैं। तो ये थोड़ा सा टाइम ले रहा है, तो यहाँ पर थोड़ा सा वेट करेंगे और डायरेक्ट ये होम पेज पे पहुँच आएगा। तो यहाँ पर थोड़ा सा हम वेट कर लेते हैं, जब तक आप इस वीडियो को लाइक कर दें। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये होम पेज पे आ गया है, और ये हमारा फ़ोन
कम्प्लीटली अनलॉक हो चुका है और इसमें अब कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। वैसे इसका FRP बाईपास करने का भी तरीका बहुत ईजीली था, बट वो मैंने नहीं बनाया। तो आशा करता हूँ ये वीडियो से आपके लिए कुछ ना कुछ सीखने के लिए मिले होगा। और आप इस कोड को जनरेट करना सीखना चाहते हैं तो ऑलरेडी मैंने वीडियो बना रखी है, चैनल पर देख लेना है। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपके लिए पसंद आई होगी। तो फ्रेंड वीडियो पसंद आई है तो वीडियो कर देना लाइक, और चैनल पर न्यू तो चैनल को कर लेना सब्सक्राइब, और बेल आइकन तो ज़रूर ही दबा देना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।